नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव का रण खत्म हो गया है, अब बारी है यूपी के उपचुनाव की। जहां उत्तर प्रदेश में खाली पड़ी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा होनी है। इस बार इतनी ज्यादा सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। जहां लोकसभा के चुनावी नतीजों ने बीजेपी को ऐसा जख्म दिया है कि भरने में लंबा वक्त लग जाएगा, वहीं अखिलेश यादव को जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए। इस जीत के साथ अखिलेश यादव और उनका गठबंधन बेहद उत्साहित है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। देखिए हमारे इस पर एक खास रिपोर्ट। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन दोनों गठबंधनों ने अपने अपनी तैयारी करके कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी और इनके प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पर है, तो वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के सामने उपचुनावों में जीत के साथ साख बचाने की चुनौती होगी। इन उपचुनावों में दलित मतदाता के कई फैक्टर साबित हो सकते हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही दल मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो वहीं उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। आपको बता दें कि यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें फूलपुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, मंचवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अयोध्या की मिल्कीपुर, मैनपुरी की करहल, अंबेडकर नगर की कटेरी, मुरादाबाद की कुंद्रकी और कानपुर की सीसा मऊ सीटें शामिल हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटों पर 2022 के चुनाव में सपा के उम्मीदवार जीते थे। बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी के पास 1 और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 सीट थी। वहीं इस उपचुनाव में विकास और स्थानीय समस्याओं के साथ ही उपचुनावों में संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी छाए रहने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने को लेकर उंगलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर उठ रही हैं। योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे तो ये भी कहा गया कि ब्रांड योगी की वैल्यू अब कम हो गई है, इसीलिए सीएम योगी के पास उपचुनाव में अपनी सीटें बचाए रखने के साथ विपक्ष की जीती सीट हासिल करना ये सब साबित करने का मौका है कि यूपी की जनता के बीच उनकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। आज भी उनका क्रेज प्रदेश की जनता के बीच बरकरार है, इसीलिए ऐसे इस उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा तो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो सकते हैं। सीएम योगी को भी इस बात का ध्यान होगा। देखा जाए तो यूपी की 10 सीटों का उपचुनाव कांग्रेस के नजरिए से काफी अहम है। उपचुनावों को सपा कांग्रेस गठबंधन के भविष्य के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की किसी सीट से उम्मीदवार उतारने की संभावनाएं फिलहाल कम है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी की कोशिश होगी कि उपचुनावों के बहाने यूपी के दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से मजबूत हो, इंडिया ब्लॉक के वोट बेस का और विस्तार हो। खैर, इस उपचुनाव में भाजपा अपना खोया हुआ जनाधार वापस ला पाती है या नहीं, और इंडिया गठबंधन भी लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में कोई कमाल कर पाती है या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।